साझा प्रयास से वामपंथी अंधकार की जगह हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार से हम रोशन करना चाहते हैं। वामपंथी हिंसक विचारधारा की जगह विकास और विश्वास उसका एक नया युग शुरू करना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वामपंथी उग्रवाद और 100% सैचुरेशन सरकारी योजनाओं का, ये दोनों के इम्प्लीमेंटेशन से हम इस क्षेत्र को पूर्ण विकसित बनाना चाहते हैं। वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ने के लिए हमने दो रूल ऑफ लॉ बहुत समय पहले देश ने तय किए थे। पहला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून का राज प्रस्थापित करना और गैर कानूनी हथियारी गतिविधियों को पूर्णतया से बंद करना, और दूसरा, इतने लंबे नक्सल आंदोलन के कारण एक क्षेत्र जो विकास से महरूम रह गए, विकास वहां पर पहुंचा नहीं, उनकी जो क्षति हुई है वो क्षति को बहुत तेजी से भरते हुए, चाहे टेलीफोन कनेक्टिविटी पहुंचानी हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी पहुंचानी हो, चाहे सस्ता अनाज की दुकान और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचानी हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र को पहुंचाना है, पीने का पानी पहुंचाना है, ये सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ ये कमी को पूरा करना। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने काफी सफलता प्राप्त करी। 2022 में पहली बार वामपंथी उग्रवाद की मृत्यु की संख्या 100 से कम रही। 30 साल के बाद पहली बार ये आंकड़ा 100 के नीचे टच किया है, वो हमारे लिए बहुत एक प्रकार से आशा की किरण दिखाता है। 14 से 24 में बहुत कम घटनाएं दर्ज होती गई है, ग्राफ लगातार नीचे गया है। टॉप 14 नक्सली लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी ग्राफ जबरदस्त आगे बढ़ा है। एक प्रकार से इसका विहंगावलोकन करें तो वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। आज बूढ़ा पहाड़, चक्रबंदा, भीम बांध, ऐसे बरमसिया, ऐसे कई क्षेत्र आज वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गए, वहां पर सैचुरेशन का काम चालू हो गया है। और LWO का 85% कैडर स्ट्रेंथ छत्तीसगढ़ में सिमट कर रहे। अब हमें एक अंतिम प्रहार करने की जरूरत है, फाइनल पुश की जरूरत है। 2019 से हमने एक बहुकोणीय रणनीति का अमल में लाया, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, इसके लिए हमने वैक्यूम्स ढूंढे और एक ही साल में 194 से ज्यादा कैंप हमने प्रस्थापित किए हैं। और मैं मानता हूं कि इससे हमें बहुत बड़ी सफलता मिली, 45 पुलिस स्टेशन, और इसके माध्यम से सिक्योरिटी वैक्यूम को खत्म करना, स्टेट इंटेलिजेंस की शाखाओं को सुदृढ़ करना, राज्य के विशेष बलों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सभी राज्यों में बताया है, और हेलीकॉप्टर के प्रावधान से हमने हमारे जवानों की शहीदगी की संख्या को भी बहुत कम किया है। आज पहले जो 19 से पहले 2 हेलीकॉप्टर जवानों की सेवा में थे, आज 12 हेलीकॉप्टर 6 BSF के और 6 एयरफोर्स के जवानों को बचाने के लिए तैनात हैं, इनको मदद भेजने के लिए भी तैयार। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।